हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जो चैप्टर है हमारा थर्ड बुक का पहला वाला, उसका पूरा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। एक पूरा क्विक रिवीजन रहेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हम ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को फटाफट से साथ में रिकैप करेंगे, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस किताब का, क्योंकि इससे आपका पूरी थर्ड बुक का बेस बन सकता है, आप ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो रेशियोज हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, इवन फॉर दैट मैटर जो आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिसमें आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसका एक अच्छा बेस बन जाता है इस चैप्टर से। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों, कंपनी जो बिजनेस होती है वो एक अलग एक्ट से गवर्न होती है, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3(1) है, जिसमें कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रखे हैं कि भाई कैसे बनने हैं, किस फॉर्मेट में बनने हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे डिस्क्लोज करनी है ना। तो ये जो शेड्यूल 3 है, ये बाकी बिजनेसेस में नहीं अप्लाई होता, सोल प्रोप्राइटर में नहीं लगता, पार्टनरशिप में नहीं लगता। लेकिन जब हम कंपनीज की बात करते हैं, तो कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एज पर शेड्यूल 3 ही बन सकते हैं, बाकी उसको बनाने का कोई और तरीका नहीं है। इसलिए ये किताब आपकी एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको काफ़ी नॉलेज देती है, और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलता हूँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो इसको हम बचपन में फाइनल अकाउंट्स बोलते थे, 11th क्लास में आप इसी को फाइनल अकाउंट्स बोलते थे, उसी का नाम मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये थोड़ा सा एक ज़्यादा टेक्निकल नेम है, आप ऐसा कह सकते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समराइज स्टेटमेंट्स होती है अकाउंटिंग डेटा की, जो काफ़ी सारी जानकारी देती है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को, है ना। अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं बहुत सारे, हमें पता है, उनको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है विद रिस्पेक्ट टू जैसे फाइनेंशियल पोजिशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कीवर्ड्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मोटा मोटा फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन देती है टू वेरियस यूजर्स, या जिनको हम स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का। ये अगेन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे हम पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ते थे। ये कह सकते हो एंड रिजल्ट होता है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का। और जैसे कि मैंने बोला, इंडिया के अंदर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आती है बच्चों चीज़ें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो बैलेंस शीट आता है, एक आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, कंपनीज के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कभी भी कंपनीज के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं यूज करेंगे। इसके अलावा बच्चों, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्टी होता है। और लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 बनता है। बैलेंस शीट जो बनती है बच्चों, वो बनती है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। ये आपको याद रखना है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसको पोजीशन स्टोर स्टेटमेंट भी बोलते हैं बच्चों। और बैलेंस शीट जब भी आपको सुनाई दे, हमेशा आपको बोलना है कि भाई बैलेंस शीट का क्या पर्पस होता है, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना। तो ये कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करके बनाई जाती है, ये आपने 11th क्लास में देखा था। हम बचपन में एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बस वो कंपनीज के केस में थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स हो जाता है, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। और बाकी ये हिस्टोरिकल डेटा बताती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी हिस्टोरिकल डेटा होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है, ये बनता है एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये अगेन याद रखना है, और कुछ नहीं तो सिंपल सिंपल एमसीक्यू में भी आ जाता है ये पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो इट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो बेसिकली हमारी कंपनी के रेवेन्यूज कैसे रहे, एक्सपेंसेस क्या रहे, प्रॉफिट्स कितने कमाए, लॉस कितने हुए। तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इस वजह से इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, इसका एक और नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। और अगेन इसमें सारी हिस्टोरिकल डेटास होते हैं। इसके अलावा बच्चों, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स जो होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं हमारी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को।
ये कई बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स अपियरिंग इन बैलेंस शीट एंड पीएनएल स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट में आप हर जानकारी नहीं दे सकते, बैलेंस शीट एक समराइज्ड वे में बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक समराइज्ड वे में बना जाता है। अब उसके अंदर की और अंदर की गहराई में अगर कोई घुसना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, हम फिक्स्ड एसेट लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट लिखते थे। अब फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या क्या आ रहा है भाई, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किसकी कितनी वैल्यू है, ये सारी जो इनडेप्थ नॉलेज मिलती है या इनडेप्थ जानकारी मिलती है वो नोट्स टू अकाउंट से मिलती है। इसलिए नोट्स टू अकाउंट बेसिकली बैलेंस शीट और पीएनएल को सपोर्ट करता है, राइट। तो इट गिव्स डिटेल्स लाइक एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर वेरियस ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा कई सारी कुछ एडिशनल जानकारी होती है, फॉर एग्जाम्पल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट में तो आती नहीं, लेकिन उसका डिस्क्लोजर होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के बारे में रीडर्स को कहाँ से पता लगेगा, बैलेंस शीट से नहीं पता लगेगा, उनको नोट्स टू अकाउंट से पता लगेगा। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा भाई हमने किस चीज़ के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, हमारी इन्वेंट्रीज कैसे वैल्यू हुई, हमने फिक्स एसेट कैसे निकाले, सारी जानकारी नोट्स टू अकाउंट्स में मिलती है। इसलिए नोट्स टू अकाउंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होता है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट होता है बच्चों, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ये बनता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज इसके ऊपर आपका एक सेपरेट चैप्टर है। अच्छा थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और अब बच्चों कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से इसको पढ़ भी सकते हो, मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस का फॉलो किया जाता है। अजम्पशंस को याद रखना, हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं बच्चों। तो ये सब चीज़ें फॉलो की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में। जैसे कि बचपन में आप एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते थे जिसमें आप कहते थे कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, है ना। तो हमारी एसेट्स जो भी आती है बैलेंस शीट में वो कॉस्ट पे आती है। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट वगैरह में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई सारी कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस का पालन किया जाता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है जो बोलता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हमारे कंट्री में जो आईसीआई इशू कर रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनको मत भूल जाना। तो इसका भी पालन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किए जाते हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा हमें कई सारी जगह अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करना पड़ता है। मैंने आपको बोला भी कि किस चीज़ के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, ये हम नोट्स अकाउंट्स में बताते भी है, राइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आप याद रख सकते हो वो है मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, है ना। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कई सारे मेथड्स होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो बेसिकली हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो हम ये भी अपने नोट्स अकाउंट्स में बताते हैं कि भाई हमारी इन्वेंट्री कैसे हमने वैल्यू करी है। इसके अलावा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सुना होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि 2% बनाएंगे, 4% बनाएंगे, 5% बनाएंगे, ये सब एस्टिमेट्स है। तो ये भी इन्वॉल्व होते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें थोड़ी सी जजमेंट भी लगती है, राइट। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई सारी फाइनेंशियल जानकारियां मिलती है कई सारी यूजर्स को। जैसे आप आगे के चैप्टर्स में रेशियो एनालिसिस करते हो, आप रेशियोज निकालते हो। अब रेशियोज कहाँ से निकालते हो, रेशियोज निकालने के लिए आपको फिगर्स कहाँ से मिलती है, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है, राइट। तो इसलिए कई सारे यूजर्स, कई सारी जिनको अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसके अलावा बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अगर मैं बिल्कुल एक सिंगल शब्द में बोलना चाहूँ तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का है वो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जानकारी देना। अब वो इन्फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग हो गई, जैसे हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज के दूसरे शब्द हो गए। इसी प्रकार से हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, हमारी कैश फ्लोस कैसी हैं, मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ बिजनेस में चल रही हैं, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हुई हैं, सब चीज़ों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किसी भी यूज़र को तरह तरह की जानकारियाँ मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
इसके अलावा बच्चों एक होता है एनुअल रिपोर्ट, आपको बस बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। तो एनुअल रिपोर्ट में वर्ड आ रहा है रिपोर्ट, तो ये एक रिपोर्ट है जो कंपनी बनाती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगेन देती है, जिसमें कई सारी स्टैचुटरी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और मटेरियल इंफॉर्मेशन देती है ना। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मे बी आपने अगर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करे होंगे इंटरनल प्रैक्टिकल्स के लिए, तो आपको शायद पता भी होगा, आपने देखे भी होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट्स। नहीं देखे तो गूगल मार लेना, आपको मिल जाएंगे। तो एनुअल रिपोर्ट लाइक अ ब्रोशर होता है हर साल जो कंपनी बना के देती है, जिसमें वो कई सारी जानकारी देती है ना, अपनी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताती है, अपनी कंपनी के विजन मिशन के बारे में बताती है, मेजर क्या क्या साल के दौरान एक्टिविटीज हुई सब कुछ बताती है, इंक्लूडिंग ऑल द स्टैचुटरी इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी होती है। थ्योरेटिकली सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी बच्चों एनुअल रिपोर्ट, बट अगर आप प्रैक्टिकली एनुअल रिपोर्ट किसी भी बड़ी कंपनी की देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी वास्ट इंफॉर्मेशन होती है एनुअल रिपोर्ट में। ठीक है, आप समझने के लिए आई डोंट नो, बट आपके स्कूल में मे बी मैगजीन इशू होती होगी। अगर आपने अपनी स्कूल में देखी होगी, हर साल एक मैगजीन आती है जिसमें आपके स्कूल के एक्टिविटीज़ के बारे में सब कुछ होता है। बस स्कूल की मैगजीन जैसी होती है बच्चों, वैसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कंपनी की मैगजीन हो गई एक प्रकार से, आप उससे लिंक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो इट हेल्प्स यूजर्स टू बेटर अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी विच एनेबल्स देम टू मेक बेटर एंड इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, कंटेंट क्या होता है बच्चों एनुअल रिपोर्ट का? एज आई सेड बहुत वास्ट चीज़ें आती है इसमें, तो इसमें कोई ऐसे लिस्ट नहीं बना सकते कि यही चीज़ें आएगी, बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है बच्चों। इसके अलावा ऑडिटर जो होते हैं, ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उनकी रिपोर्ट होती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बार बार हम बोल रहे हैं, इसमें बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह सब कुछ आ गया, वो सब इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों ये सब तो इधर उधर की बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अब मेन टॉपिक जो इसमें है वो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पीएनएल का फॉर्मेट। तो जैसे कि हमने बोला, जो बैलेंस शीट होती है वो बनती है एज पर पार्ट वन ऑफ शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले नोट सीरियल नंबर आ जाता है, फिर पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होता है, फिर नोट नंबर का कॉलम होता है। नोट नंबर में बच्चों हम नोट्स जो अकाउंट्स में बताते हैं कि भाई अगर ये चीज आ रही है इसमें, तो इसका रेफरेंस नोट्स टू अकाउंट्स में इस नोट नंबर पे मिलेगा। जैसे हम जब किताब पढ़ते हैं तो किताब में एक इंडेक्स होता है जिसमें पेज नंबर होता है हर चैप्टर का, उसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी आइटम आ रहा है बैलेंस शीट में, उसका नोट्स टू अकाउंट्स में कौन से नंबर में हमें डिस्क्लोजर मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो हम यहाँ नोट नंबर में बताते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ या सबसे मज़ेदार चीज़ जो होती है बच्चों इसमें, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी करी होगी, हम इसमें अपने मेन रिपोर्टिंग पीरियड मतलब करंट ईयर की फिगर्स तो दिखाते ही दिखाते हैं, और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी दिखाते हैं कंपैरिजन के लिए। तो बैलेंस शीट जब भी बनती है, फॉर एग्जांपल अगर 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बनेगी, तो कोरिस्पॉन्डिंगली 31 मार्च 2023 की फिगर साइड बाय साइड दिखेगी, है ना। तो एक फिगर आती है करंट रिपोर्टिंग पीरियड की, एक आती प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड की, तो ये कंपैरेटिव फॉर्म में बनती है एक प्रकार से। अच्छा, अब बच्चों इसमें जो बैलेंस शीट बनती है ये वर्टिकल फॉर्म में बनती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं बनती, टी शेप फॉर्म में नहीं बनती जैसे आप हमेशा से बनाते हो, इसमें वर्टिकल फॉर्म में बनती है। तो एक मेन साइड होती है इसकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की, उसके बाद मेन साइड होती है एसेट्स की। अब दोनों के अंदर बच्चों अपने अपने मेन हेड्स हैं, अपने मेन मेन हेड्स हैं। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर देखो 1 2 3 4 चार मेन हेड्स हैं, और एसेट्स के अंदर अगर आप देखोगे 1 2 मेन हेड्स हैं। तो अब आपको बच्चों ये हेड्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए इन, और सीक्वेंस भी कोशिश करनी है याद रखने की कि सीक्वेंस में क्या आता है, राइट। तो सबसे पहले जैसे इसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें एक आता है शेयर कैपिटल, एक आता है रिजर्व्स, एक आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर ऑनर्स। क्विकली अभी देख लेंगे ये सारी चीजें क्या होती है। फिर सेकेंड जो हेड आता है वो आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर थर्ड हेड आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अच्छा, हेड के अंदर ये जो एबीसी जो बच्चों दिख रहा है एबीसीडी, ये सब हेड्स होते हैं। तो आपको सब हेड्स पता होने चाहिए, तो मेन हेड्स एंड सब हेड्स ये आपको पता होने चाहिए। तो जैसे नॉन करेंट लाइबिलिटीज अगर मेन हेड है, उसके अंदर क्या क्या सब हेड आता है? एक आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके साथ इसी तरह मतलब चौथा जो हमारा मेन हेड होता है करंट लाइबिलिटीज का,
इसके अंदर देखो क्या क्या सब हेड्स आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसी प्रकार से एसेट में हमने दे बोला कि दो हेड्स आते हैं, एक है नॉन करेंट एसेट, एक है करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर क्या क्या सब हेड्स आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट के अंदर क्या क्या सब हेड्स आते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, तो बच्चों ये हेड के, सब हेड के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, राइट। अब इसी से रिलेटेड बच्चों आगे हमारा डिस्कशन है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल की बात करेंगे। तो हमने जब शेयर कैपिटल का जो चैप्टर रिवाइज किया था, इशू ऑफ शेयर्स का या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, उसमें मैंने बताया था बच्चों, उसमें एक टॉपिक होता है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो उसके क्वेश्चन आते हैं बच्चों 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में, लेकिन वो इस चैप्टर से नहीं होते, वो होते शेयर चैप्टर से ही, वो बुक टू से ही आते हैं। मतलब वो आपके एग्जाम में जो पार्ट्स हैं उसमें पार्ट ए के अंदर ही आएगा, लेकिन उसका लिंक है यहां से। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं पता कैसी दिखती है कंपनी की, तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब मैं वो शेयर कैपिटल का जो डिस्क्लोजर है वो यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फटाफट से। तो आपको उस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको बैलेंस शीट में बस इतना शेयर कैपिटल वाला पार्ट बना के दिखाना होता है और फिर उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। पहली बात, जब हम शेयर कैपिटल बोलते हैं तो याद रखना इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाती है। नोट्स टू अकाउंट्स का एक फॉर्मेट होता है, ये शेड्यूल 3 का ही फॉर्मेट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं कि कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है। हर क्लास ऑफ शेयर के लिए अलग अलग दिखाएंगे, इक्विटी शेयर है उसके अलग दिखाएंगे कि उसकी कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसकी अलग से दिखाएंगे कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है। फिर नेक्स्ट में बच्चों हम दिखाते हैं इशूड कैपिटल, मतलब कितनी कैपिटल कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल में से इशू कर रखी है। अगेन आपको दिखाना है कि इक्विटी शेयर्स हमने इतने इशू कर रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इतने इशू कर रखे हैं। इसमें नंबर भी लिखना है आपको, देखो नंबर ऑफ शेयर्स दोनों जगह, और फिर उसके आपको फेस वैल्यू लिखनी है कि भाई इक्विटी शेयर की कितनी फेस वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर की कितनी फेस वैल्यू है, इक्विटी शेयर की कितनी फेस वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी फेस वैल्यू है, सारी जानकारी आपको देनी है। और फिर यहाँ पे फाइनल रुपीज में फिगर आ जाएगी, है ना। साथ साथ टोटल भी होता रहेगा कि ऑथराइज कैपिटल का टोटल इतना है, इशूड कैपिटल का टोटल इतना है। उसके बाद बच्चों आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और अगर आपने मतलब मेन चैप्टर कंपनी अकाउंट्स पढ़ रखा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा सब्सक्राइब कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अगेन आपको प्रॉपरली बाइफरकेट करके दिखाना है नोट्स टू अकाउंट्स में कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इतने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इतने रुपए के फेस वैल्यू के, इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाना है, अगेन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना है, इसमें मैं सितारा लगा देता हूं। इसमें भी बाइफरकेट करके चलना है कि इक्विटी शेयर्स के कितने, प्रेफरेंस शेयर्स के कितने हैं, तो इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं बट नॉट फुल्ली पेड अप हैं, ऑफ इतने रुपए के फेस वैल्यू ईच। हाँ, अब 10 रुपए की फेस वैल्यू है उसमें से 8 रुपए ही कॉल्ड अप है, तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि भाई 10 रुपए में से कितने रुपए कॉल्ड अप है। अगर मानो कि पार्शियली कॉल्ड अप है ना, हो सकता है 10 रुपए का शेयर हो लेकिन 8 रुपए ही कॉल्ड अप हो, तो आपको यहां पे उस केस में अलग से दिखाना पड़ेगा कि कितने रुपए कॉल्ड अप है। अच्छा, अगर कोई कॉल्स इन अरियर्स है कि इन इक्विटी शेयर्स में कुछ पैसा मंगवा रखा है बट वो अभी मिला नहीं या उसमें मिलने में डिफॉल्ट हो गया, तो कोई कॉल्स इन अरियर्स अगर है तो वो आपको माइनस करके दिखाना है। तो आपको देखना है कि भाई कितना रुपए कॉल्ड है, उसमें से कितना कॉल्ड इन अरियर्स है, तो फाइनली जो बाहर फिगर आ जाती है वो पेड अप फिगर आ जाती है कि भाई कितनी पेड अप है फिगर। इसी प्रकार से सेम काम प्रेफरेंस शेयर्स में भी करना है आपको। और सबसे मजे की चीज लास्ट में, ये सब कर कराने के बाद देखो, इक्विटी शेयर का भी पेड अप वैल्यू आ गई, प्रेफरेंस शेयर्स की भी पेड अप वैल्यू आ गई। ये करने के बाद अगर आपने कोई शेयर्स फोरफीट करके रखे हुए हैं तो आपके पास फोरफीटेड शेयर्स का कुछ बैलेंस होगा। शेयर फोरफीचर की जर्नल एंट्री आई होप आपको पता होगी, हम रिवाइज भी कर चुके हैं। तो अगर फोरफीटेड शेयर अकाउंट का कोई बैलेंस है तो
तो वो बिल्कुल लास्ट में आपको ऐड करना होता है इसी में, और फाइनली ये सब कर कराने के बाद आपको ये सब जोड़ना होता है, तो आपको शेयर कैपिटल की फिगर पता लगती है जो आपकी बैलेंस शीट में नजर आएगी। ये वाली जो फिगर है, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली फिगर आपकी मेन बैलेंस शीट में नजर आएगी। ठीक है, तो बच्चों इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे जिससे भी आपने पढ़ाई करी। तो मैं एक काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग वीडियो लेक्चर डाल दूं जिसमें मैं आपके साथ बुक के सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लूंगा, जिसमें आप शेयर्स कैपिटल की जो प्रेजेंटेशन है वो आपको करना आ जाए। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन आपकी बुक में जो एग्जाम में आते हैं, मैंने बोला 4 मार्क्स में आता है, तो वो क्वेश्चन कोशिश करेंगे एक अलग वीडियो में डाल दूं, अपलोड कर दूं अपने चैनल पे, तो वो भी आपका उसमें कवर हो जाएगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो मैं देखूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा अपलोड करने के बाद। अगला बच्चों जो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है वो आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स फॉर फॉलोइंग पर्पस। अलग अलग पर्पस के लिए कुछ रिजर्व होता है जो प्रॉफिट्स में से हम अलग कर देते हैं। बेसिकली ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं? टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कैपिटल रिजर्व बनानी पड़ती है हमको, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। तो आपको याद होगा फॉरफीचर एंड रीइशू करने के बाद गेन ऑन रीइशू को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। उसी प्रकार से जब कंपनीज का अमेलगमेशन होता है या कोई अब्जॉर्प्शन होता है, कोई टेक ओवर होता है, उसमें भी कैपिटल रिजर्व आता है। वो भी आप देख चुके हो, वो भी आप अकाउंटिंग में देख चुके हो। जब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में बिजनेस परचेस होता है तो वहां पे भी कैपिटल रिजर्व आता है। तो ये सब लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अलावा अगर कोई कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, प्रीमियम पे शेयर्स इशू करे, डिबेंचर इशू करे, तो वो आ जाता है आपका। इसके अलावा टू मीट एनी लाइबिलिटी, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर कई सारी रिजर्व जो बेसिकली फ्री रिजर्व होती हैं वो बनाई जाती हैं टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ कंपनी, जैसे जनरल रिजर्व होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक सरप्लस वर्ड इसमें आता है। सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस। तो बेसिकली पीएनएल का जो बैलेंस होता है, पीएनएल का जो बैलेंस होता है, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो चाहे डेबिट बैलेंस हो, वो सरप्लस के अंदर आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो रिजर्व्स आ गए, जिन भी नाम के आगे रिजर्व्स आ रहा है। इसके अलावा बच्चों सरप्लस आ जाता है जिसमें बेसिकली पीएनएल का बैलेंस आ जाता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कोई अदर रिजर्व, जो भी अलग अगर कोई और रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, वो डाल देना है। नेचर और पर्पस स्पेसिफाई करके चलना है, नोट्स टू अकाउंट्स में सब कुछ दिखाना है आपको, और लास्ट में आता है सरप्लस, जैसे कि मैंने बोला ये पीएनएल का बैलेंस होता है आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएनएल में सारी अप्रोप्रिएशन वगैरह करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो सरप्लस के अंदर आ जाता है। ठीक है, इंडिविजुअली कोई एज सच मीनिंग कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहां आती है। अच्छा, फिर अगला आइटम होता है बच्चों मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वॉरेंट्स। आप बैलेंस शीट में देखते हुए चलना अपने पास, ये आपका अगेन शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही आता है, तीसरा सब हेड मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वॉरेंट्स। तो वैसे आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे कोई पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है शेयर वॉरेंट्स का। बिल्कुल ब्रीफली सिंपल वर्ड्स में एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। शेयर वॉरेंट्स मतलब होता है कि कभी कभी कंपनीज को कुछ पैसा मिल जाता है शेयर्स इशू करने के बदले में, लेकिन कंपनी शेयर्स नहीं इशू करती, वो वॉरेंट दे देती है कि ठीक है हम किसी फ्यूचर डेट पे आपको इसके अगेंस्ट शेयर्स इशू कर देंगे, बस इसी को बोला जाता है बच्चों शेयर वॉरेंट्स। सो इट इज द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी विच आर कन्वर्टेड इन टू शेयर ऑफ एट अ स्पेसिफाइड डेट, एट अ स्पेसिफाइड डेट, कि हम फ्यूचर डेट में इसके बदले आपको शेयर दे देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये भी आप कह सकते हो लाइक अ शेयर कैपिटल, ये भी कल को ये शेयर कैपिटल नहीं कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बच्चों अमाउंट रिसीव्ड एज शेयर वॉरेंट्स, मतलब बेसिकली इसको शेयर वॉरेंट्स बोला जाता है। हालांकि आई डोंट एक्सपेक्ट कोई मीनिंग आपसे पूछेगा। फिर एक अलग ही बच्चों इक्विटी इन लाइबिलिटी के अंदर हेड आता है जिसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
अगर आपने शेयर्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है, हमें शेयर इशू के अगेंस्ट एप्लीकेशन में पैसा मिल जाता है। आपको याद होगा पहली एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये वो पैसा है जो शेयर एप्लीकेशन में मिल चुका है लेकिन जिसके अगेंस्ट अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है, मतलब हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री तो कर दी लेकिन अगली जो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये वाली एंट्री हमने नहीं करी, ये वाली एंट्री हमने नहीं कर रखी क्योंकि अभी अलॉटमेंट हुई नहीं। तो इसमें वो एप्लीकेशन का पैसा आता है बच्चों जिसके अगेंस्ट पक्का पक्का अलॉटमेंट होने वाला है, ध्यान रखना, जिसके अगेंस्ट पक्का पक्का अलॉटमेंट होने वाला है। अगर कोई शेयर एप्लीकेशन ऐसा पैसा पड़ा हुआ है शेयर एप्लीकेशन में जिसके अगेंस्ट अलॉटमेंट नहीं होगा, वो रिफंड हो जाएगा कल को, वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब वो एप्लीकेशन का पैसा जो मिल गया है और जिसके अगेंस्ट पक्का पक्का अलॉटमेंट होने वाली है, उसी को हम यहां पे दिखाते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी एज शेयर एप्लीकेशन अगेंस्ट विच द कंपनी विल सर्टेनली अलॉट शेयर, बात समझ में आ गई, वही इसके अंदर आता है। अगर कोई शेयर एप्लीकेशन मनी है जो किसी भी रीजन से आप फ्यूचर में रिफंड करने वाले हो, वो इसके अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोराटा अलॉटमेंट के बाद रिफंड किया जाता है, या फॉर एग्जाम्पल ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कई बार हम कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, वो एप्लीकेशन का पैसा रिफंड हो जाता है। कभी कभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती, उसकी वजह से एप्लीकेशन का मनी जो होता है वो रिफंड किया जाता है। तो अगर कोई एप्लीकेशन का मनी है जो रिफंड होने वाला है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। बच्चों याद रखना, इस पॉइंट से इजीली एमसीक्यू बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, तो इट डज नॉट इंक्लूड एनी एप्लीकेशन मनी विच हैज बिकम रिफंडेबल। मेन बात है, रिफंडेबल एप्लीकेशन मनी इसके अंदर नहीं आएगा। अगर कोई रिफंडेबल एप्लीकेशन मनी है तो वो करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा, मतलब सिंपल भाषा में वो लाइबिलिटीज के अंदर अलग से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों इन दो तीन आइटम्स के बाद अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो हमारी मेन जो चीजें बच जाती है वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स बच जाते हैं। मतलब चाहे एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटीज हो, इसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है करेंट और नॉन करेंट में। तो शेड्यूल थ्री ने प्रिंसिपल ले डाउन कर रखे कि भाई कोई एसेट या लाइबिलिटी करेंट कब होगा, नॉन करेंट कब होगा। तो अगर हम वो मेन जनरल पॉइंट समझ जाए कि एसेट और लाइबिलिटीज को करेंट एंड नॉन करेंट में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे बांटते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। तो बस वही पॉइंट यहां पे है। तो कोई आइटम करंट है, एन आइटम इज क्लासिफाइड एज करंट अगर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड या सेटल। अब ध्यान रखना बच्चों, शेड्यूल थ्री में एसेट्स के लिए अलग से पॉइंट बता रखा है करंट नॉन करंट का, लाइबिलिटीज के लिए अलग से बता रखा है। मैंने इन नोट्स में क्या कर रखा है, क्योंकि वो पॉइंट सेम सेम से ही है तो मैंने मर्ज करके उनको जनरलाइज कर दिया कि भाई एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए जनरली ये पॉइंट है। तो बच्चों ध्यान रखना, इस पूरे नोट्स में या पूरे इस पॉइंट में वर्ड रियलाइज्ड जो वर्ड यूज होता है वो एसेट के लिए होता है, क्योंकि एसेट कभी ना कभी रियलाइज होते हैं, और सेटल्ड वर्ड जो यूज होता है वो लाइबिलिटीज के लिए होता है क्योंकि वो पे करे जाते हैं, सेटल करे जाते हैं। तो कोई आइटम चाहे वो एसेट हो चाहे लाइबिलिटी, वो करेंट कब होगा, इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज या सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इसके बारे में भी थोड़ी देर में, जस्ट 2-4 मिनट में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी रियलाइज या सेटल होने वाला है विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो वो करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटीज है, या फिर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज या सेटल विद इन 12 मंथ्स, अगर 12 महीने के अंदर अंदर ही सेटल या रियलाइज होने वाला है तो अगेन वो करंट है, या फिर इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग, अगर वो ट्रेडिंग के लिए आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो वो करंट है, या फिर इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा करेंट एसेट रहेगा, या फिर एंड इफ एंटिटी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट टू डेफर्ड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब किसी लाइबिलिटी को 12 महीने के बियॉन्ड मैं डीले नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो वो लाइबिलिटी आपकी करेंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, इतना डीप में कोई नहीं पूछता। मेन याद रखना, अगर 12 महीने के अंदर अंदर या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर अंदर कोई एसेट रियलाइज हो जाएगा या लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी तो वो करेंट एसेट या करेंट लाइबिलिटी है, अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी करेंट नहीं है तो वो नॉन करेंट है, सिंपल।
इसका उल्टा करके लिख दोगे तो वो नॉन करेंट एसेट या नॉन करेंट लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट में मैं स्टार लगा लेता हूं। मेन पॉइंट एक तो ये है, ये वाला, ये सितारा लगा लो और ये सितारा लगा लो। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में नॉर्मल ऑपरेशंस खत्म होने में कितना टाइम लगता है। नॉर्मल ऑपरेशंस मतलब रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, अब रॉ मटेरियल खरीद के उसको मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको अपने कस्टमर्स को बेचूंगा, डेटर्स आएंगे, फिर डेटर्स से पैसा रियलाइज होगा। तो रॉ मटेरियल के खरीदने से पूरा कैश में पैसा डेटर्स या कस्टमर से रियलाइज होने में कितना टाइम लगता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो इट इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग, बेसिकली रॉ मटेरियल, या वो स्टॉक एंड ट्रेड भी हो सकता है। भाई हमेशा मैन्युफैक्चरर थोड़ी ना होगा, ट्रेडर भी तो हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अपना रॉ मटेरियल या स्टॉक एंड ट्रेड खरीदने से लेके उसको वापस कैश में रियलाइज करने में जितना टाइम लगता है। वापस कैश में कैसे रियलाइज होगा? आज मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, फैक्ट्री में यूज किया, अपना फिनिश गुड बनाया, फिनिश गुड को आगे कस्टमर को बेचा, डेटर पे मैंने मानो उधारी पे बेचा, फिर उधारी पे बेचने के बाद कस्टमर से मुझे उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होने में जितना टाइम लगता है, जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और जहां पे बच्चों हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं निकाल पाते, वहां शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि उस केस में आप अज्यूम कर लो कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने ही है। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको क्रक्स वे में बताऊं बच्चों, क्रक्स वे में बताऊं, बाकी सब भूल जाओ, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाना। अब क्रक्स ये है, ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड यूज हो रहा है करंट एंड नॉन करंट की क्लासिफिकेशन करने में। तो अल्टीमेटली क्रक्स ये है बच्चों, अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी रियलाइज होने वाला है या सेटल होने वाला है विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर ही रियलाइज होने वाला है या सेटल होने वाला है, तो वो हमेशा करंट है, फिर आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड देखने की जरूरत नहीं। अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी रियलाइज या सेटल हो रहा है विद इन 12 मंथ्स, तो वो हमेशा करेंट है, उस केस में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड देखने की जरूरत नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई अगर विद इन 12 मंथ्स कोई एसेट रियलाइज होगा या लाइबिलिटी सेटल होगी तो वो हमेशा करेंट है। लेकिन अगर कोई बच्चों एसेट या लाइबिलिटी है जो रियलाइज या सेटल होगा बियॉन्ड 12 मंथ्स, अगर कोई ऐसा एसेट है या लाइबिलिटी है जो रियलाइज होगा या सेटल होगा बियॉन्ड 12 मंथ्स, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर बियॉन्ड 12 मंथ्स है लेकिन विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो क्या, और बियॉन्ड 12 मंथ्स है और बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल है तो क्या। तो बियॉन्ड 12 मंथ्स है लेकिन तब भी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। भाई मेरा ऑपरेटिंग साइकिल मानो 15 महीने का है, तो 12 महीने से ज्यादा है लेकिन विद इन 15 महीने है, तो अगेन फिर वो करंट है। लेकिन बच्चों बियॉन्ड 12 मंथ्स है और बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी है, फिर तो बहुत लंबी बात हो गई, फिर वो नॉन करंट है। तो उसके लिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहां पर टेबल है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसको फटाफट से मैं आपको आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने 6 केसेस ले रखे, आप कह सकते हो ये एग्जॉस्टिव केसेस है, इसके बाहर कोई केस बनेगा ही नहीं। तो जैसे पहला केस है कि मैंने बोला ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 10 महीने का है लेकिन पीरियड ऑफ रियलाइजेशन या सेटलमेंट 8 महीने का है ना, तो ये 8 महीने तो देखो बच्चों क्योंकि 12 महीने से कम हो गए, विद इन 12 मंथ्स हो गए, तो मैंने बोला जो विद इन 12 मंथ्स है वो हमेशा करंट है। इसी प्रकार से केस नंबर 2 देखो, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है लेकिन रियलाइजेशन का पीरियड और या सेटलमेंट का जो पीरियड है वो 12 महीने है, तो इवन तो ये 12 महीने बच्चों देख के लगेगा कि 10 महीने से ज्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये विद इन 12 मंथ्स है तो ये हमेशा करंट है। मैंने बोला अगर विद इन 12 मंथ्स है तो हमेशा करंट है, ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब नहीं, उसको काट भी सकते हो, कोई मतलब नहीं इसका। अगला केस, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने है, पीरियड ऑफ रियलाइजेशन क्या है, सेटलमेंट जो है 15 महीने है, एक्चुअल पीरियड 15 महीने है, तो अब ये 15 महीने बच्चों मोर देन 12 मंथ्स हो गया, अब हमें ऑपरेटिंग साइकिल चेक करना पड़ेगा। तो ये मोर देन 12 मंथ्स हो गया
और ये मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी है भाई, ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 ही महीने का, तो वो उससे भी ज्यादा है, तो अब ये नॉन करेंट हो गया। इसी प्रकार से केस नंबर 4, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने, पीरियड ऑफ रियलाइजेशन 14 महीने, अगेन ये मोर देन 12 मंथ्स है, ये मोर देन 12 मंथ्स है, लेकिन ये मोर देन आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी है, मोर देन 12 मंथ्स भी है और मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी है, तो अगेन ये नॉन करेंट हो गया। अगला एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 15 महीने का है, ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 15 महीने का है और पीरियड एक्चुअल वाला जो है वो 13 महीने का है, तो अब ये अगेन मोर देन 12 मंथ्स है, मोर देन 12 मंथ्स है, लेकिन बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल तो मेरा 15 महीने है, तो ये विद इन 15 महीने है, 13 महीने मोर देन 12 मंथ्स है लेकिन 15 महीने से कम है, इसीलिए ये करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी की तरह आ जाएगा। और लास्ट केस, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने, एक्चुअल पीरियड 18 महीने, तो ये मोर देन 12 मंथ्स भी है और ये मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी है, तो इसलिए ये नॉन करेंट हो जाएगा। ठीक है जी, यस सर। वंस हमें करंट और नॉन करंट की कैसे क्लासिफिकेशन होती है शेड्यूल 3 के हिसाब से पता लग गया, अब आप अपने बाकी सारे हेड्स को फटाफट से कवर कर सकते हो। तो अगर हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज हेड की बात करेंगे, उसमें पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो इसमें लोन रीपेबल जो आएगा वो जो है आफ्टर 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो पे करना है, वो लोन सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। बोरिंग सारी जो 12 महीने के बाद मोटा मोटा या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद रीपे करनी है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, जैसे डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स या अदर पार्टीज जैसे रिलेटेड पार्टीज वगैरह हो गई, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, या कोई भी अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो आपको 12 महीने के बाद पे करना है, वो सारी लोन्स इसके अंदर आ जाएंगे। अगला बच्चों जो सब हेड है वो है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। इसका सिर्फ नाम रट के रखना, इसका मीनिंग जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज जो होता है ये एक अलग सब हेड होता है, किसके अंदर, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर, बस इतना याद रखना। बाकी तो बच्चों सीए इंटर करने के बाद, बच्चे सीए फाइनल में पहुंचने के बाद भी नहीं बता पाते कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, तो आप तो 12वीं के मासूम बच्चे हो, आप क्या ही बता पाओगे, है ना, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अगला जो सब हेड होता है वो होता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसमें बच्चों आ जाते हैं ट्रेड पेबल्स, अगर कोई है जो मोर देन 12 मंथ्स वाले हैं, मतलब लॉन्ग टर्म वाले जो हैं, या फिर कोई और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो कहीं और नहीं आ पाई, वो इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, जो आपने डिबेंचर्स चैप्टर में पढ़ा था, इस तरह की लाइबिलिटीज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अगला है बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो प्रोविजंस क्या होता है बच्चों, प्रोविजन कभी कभी हम अपने कुछ नुकसान और खर्चे के अगेंस्ट बना लेते हैं, जिसका अमाउंट हमें पता नहीं होता। हमें पता है कि कोई खर्चा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली कितने अमाउंट का होगा हमें जब पता नहीं होता, तो ऐसे खर्चे या नुकसान के अगेंस्ट हम प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन जब भी आए याद रखना, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि हमारे बैड डेट्स तो होंगे लेकिन कितने अमाउंट के होंगे ये हमें नहीं पता, तो ये हम अनुमान लगा के प्रोविजन बना लेते हैं। तो प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट सेट असाइड टू मीन फ्यूचर लाइबिलिटी, चाहे खर्चा हो चाहे नुकसान हो, मेरे लिए एक लाइबिलिटी आ जाएगी फ्यूचर में, द अमाउंट ऑफ विच के नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, जिसका अमाउंट हम नहीं बता सकते तो वो हम एस्टिमेट करते हैं, इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा, अब कोई भी ऐसी प्रोविजन हम बनाते हैं जिसके अगेन जो लाइबिलिटी आएगी वो 12 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी, या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर आ जाएगी, उसको हम लोग, सॉरी आफ्टर आएगी, उल्टा बोल गया मैं, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो हम बनाते हैं जिसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद अराइज होगी, मतलब बहुत टाइम बाद आएगी, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाता है। जैसे इसमें आता है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का प्रोविजन जो बनाया जाता है वो जनरली लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, या प्रोविजन फॉर अर्न लीव, अगेन प्रोविजन फॉर अर्न लीव भी इसी का लॉन्ग टर्म प्रोविजन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद बच्चों अगर हम करंट लाइबिलिटीज हेड के बात करेंगे तो इसमें क्या क्या सब हेड्स आते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो बोरिंग्स वर्ड्स आते ही बच्चों, बोरिंग्स मतलब मोटा मोटा लोन हो गया, तो कोई भी ऐसी बोरिंग्स, कोई भी ऐसा लोन जो पे होना है विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अच्छा, ये बार बार जो हम विद इन 12 मंथ्स
या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं, बियॉन्ड 12 मंथ्स, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं, ये कौन सी डेट से बोलते हैं बच्चों? ये बैलेंस शीट डेट से बोलते हैं। कौन सी डेट से? बैलेंस शीट डेट से। ये बच्चों याद रखना, जिस भी डेट पे बैलेंस शीट बन रही है उस डेट से हम देखते हैं ये 12 महीने का जो पीरियड है, ये ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है, जो हम कैलकुलेट करते हैं या जो हम डिटरमाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो बैलेंस शीट डेट से करते हैं। तो कोई भी लोन जो 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर रीपे हो जाएगा फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, ऐसे लोन्स को हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर डालते हैं। तो इसमें लोन्स पेबल ऑन डिमांड आ जाता है, या बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट आ जाता है, या फिर करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आ जाता है। ये मैंने डिबेंचर चैप्टर की रिवीजन में डिस्कस कर लिया था। मतलब करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का वो पार्ट जो शॉर्ट टर्म में पे होना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो मेरी बहुत बड़ी है, उसमें से मैंने देखा कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा अमाउंट है जो अब मुझे 12 महीने के अंदर अंदर ही पे कर देना है, तो ऐसे अमाउंट को हम बोलते हैं करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, और वो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आता है। इसके अलावा लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, या फिर कोई अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो 12 महीने के अंदर अंदर भी पे करनी है, वो सब हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाती है। फिर आता है बच्चों ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जब भी वर्ड दिखे तो याद रखना इसमें दो चीजें आती हैं, एक क्रेडिटर्स आते हैं, एक आते हैं आपके बिल्स पेबल, दोनों भी ट्रेड पेबल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ट्रेड पेबल्स मीन्स अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान रखना ये क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल जो हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, आपकी किताब में ही दे रखा था तो मैंने यह नोट्स में भी डाल दिया। ए लिमिटेड सेल्स इट्स फिक्स्ड एसेट थ्रू मिस्टर राम एन एजेंट। तो ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने फिक्स्ड एसेट बेचे एक एजेंट के थ्रू, एंड ओज रुपीज 10,000 टू हिम विच इज पेबल इन 6 मंथ। तो मिस्टर राम एक एजेंट है जिसके थ्रू मैंने अपने फिक्स एसेट बेचे, उसके तरफ एक कमीशन ड्यू है 10,000 रुपए का। तो मिस्टर राम वैसे देखा जाए तो मेरा क्रेडिटर बन गया, और क्योंकि ये मेरा 6 महीने के अंदर पे होना है तो ये मेरा कह सकते हो शॉर्ट टर्म वाला करेंट लाइबिलिटी बन गई। लेकिन बच्चों फिक्स्ड एसेट बेचना मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है मानो गुड्स बेचना या सर्विसेज देना। फिक्स्ड एसेट बेचना, फर्नीचर मशीनरी बेचना, ये कोई मेरा बिजनेस थोड़ी ना है। तो इसलिए इवन दो ऐसा महसूस होगा कि मिस्टर राम मेरा क्रेडिटर है तो वो ट्रेड पेबल्स के अंदर आना चाहिए, बट ये मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज नहीं हो रहा, इसलिए ये लाइबिलिटी को हम ट्रेड पेबल्स में नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग आगे जाके अदर करेंट लाइबिलिटीज में दिखा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है बच्चों? इट इंक्लूड्स, ये याद रखना थोड़ा सा, बस 2-4 बार रीड कर लोगे तो काफी हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन ड्रॉइंग्स। तो कोई भी इंटरेस्ट जो एक्रू हो गया, जो आउटस्टैंडिंग हो गया, चाहे वो ड्यू हुआ हो चाहे ना ड्यू हुआ हो, दोनों भी एक्रूड इंटरेस्ट आपके अदर करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार से कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो आ जाएगा, इसी प्रकार से अनपेड डिविडेंड अगर कोई है तो आ जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। मतलब हमने बोला था कोई एप्लीकेशन मनी जो रिफंड करना है हमको वो इसके अंदर आ जाएगी, वो एप्लीकेशन मनी जो जिसके अगेंस्ट पक्का पक्का अलॉटमेंट होगी वो कहां आएगा? वो एक अलग हेड के अंदर आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद बच्चों अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। कोई डिबेंचर्स या कोई डिपॉजिट जो ड्यू हो गए हो, जो ड्यू हो गए, जो मेच्योर हो गए हो लेकिन अभी मैंने पे नहीं करे, वो भी आपका अदर करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। ध्यान रखना डिबेंचर्स अगर अभी आउटस्टैंडिंग है तो वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगे, लेकिन अगर अब डिबेंचर आउटस्टैंडिंग नहीं है, अब वो मेच्योर हो गए, अब वो पैसा वापस करना ही करना है मेरे को, दिन आ गया है, तो अब वो अदर करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, याद रखना। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस अदर करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है बच्चों, ये काफी बार पूछा जाता है एमसीक्यू में। अदर पेएबल्स मतलब कोई और शॉर्ट टर्म पेएबल है, मतलब कोई शॉर्ट टर्म करेंट लाइबिलिटी अदर, तो वो इसके अंदर आ जाएगी जिसका नेचर आपको स्पेसिफाई करना है। फिर है बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब हम डिस्कस कर चुके। अब इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वो प्रोविजन आएंगे बच्चों जो जिसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो 12-12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, ऐसे प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आएंगे, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस या कोई भी और प्रोविजन। अब इसमें एक बात याद रखना बच्चों,
सीबीएसई कई बार प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट्स पूछता है आपके क्वेश्चन में, बट उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर दिखाता है। ये डाउट बहुत बार आता है, पास्ट ईयर में सीबीएसई ने प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट डाला और लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि सीबीएसई प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट जो मानता है, जो अगर खाली लिखा है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड मानता है। जैसे मैंने बोला था लॉन्ग टर्म प्रोविजन के केस में, हमने बोला था, अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, ये रहा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी या प्रोविजन फॉर अर्न लीव, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनते हैं। तो सीबीएसई इंप्लॉय बेनिफिट में वही प्रोविजन मानता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन मानता है। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेता हूँ, जो यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट है, ये अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले हैं। ठीक है, तो अगर प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट लिखा है तो सीबीएसई उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन मानता है, क्योंकि वो कहता है कि जनरली जो इंप्लॉय बेनिफिट्स के जो प्रोविजन बनते हैं वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अगेंस्ट बनते हैं, जैसे ग्रेच्युटी हो गया, या फिर फॉर दैट मैटर आपका फॉर लीव इनकैशमेंट हो गया, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट उसके लिए बनता है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट मतलब कोई सैलरी वगैरह जो मुझे लगता है जो ड्यू हो गई उसके अगेंस्ट मैंने कोई प्रोविजन बनाया, वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोई प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, कोई और खर्चों के अगेंस्ट प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आए, या फिर कोई और प्रोविजन अगर इसके अलावा कोई है जिसका नेचर ऑफ कोर्स आपको स्पेसिफाई करना है, मतलब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में सब कुछ दिखाना है। ठीक है, अब अगर मैं नॉन करेंट एसेट की बात करूं, अगला हमारा जो मतलब हेड होता है, लाइबिलिटीज खत्म हो गई, अब एसेट की बारी आ गई, उसमें अब पहला हेड होता है नॉन करेंट एसेट, उसमें अब क्या क्या सब हेड आते हैं। पहला सब हेड आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब होता है वो एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इसको हम टेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं। हालांकि यहां पे हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज करना है क्योंकि शेड्यूल 3 में यही लिखा है, बट समझने के लिए टेंजिबल एसेट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, व्हीकल वगैरह, ये सब आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो टेंजिबल वाले फिक्स्ड एसेट आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर इनटेंजिबल एसेट्स, वो एसेट जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, ये सब आपके इनटेंजिबल एसेट के अंदर आ जाते हैं। फिर अगला होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये बच्चों टेंजिबल एसेट्स होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो वाले होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग बन रही है, अभी बननी नहीं है, तो है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, बन रही है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होता है बच्चों। ये भी क्या होता है, ये वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर अगला सब हेड होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स बच्चों वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है अदर इन्वेस्टमेंट, जिसको आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं बेसिकली जो किए जाते हैं टू प्रमोट ओन बिजनेस या ट्रेड। ये सारी चर्चा बच्चों हमने गुडविल चैप्टर में भी कर ली थी। अदर इन्वेस्टमेंट हो गए जो अदर देन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इनको हमें कैसे कैटेगराइज करके चलना होता है, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है जिसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, वो दिखाएंगे। कोई अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जैसे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, वो अलग से दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर हो गया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट या ट्रस्ट सिक्योरिटीज हो गई, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, या फिर कोई और अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिसका आपको नेचर स्पेसिफाई करना है। ध्यान रखना बच्चों, ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है, मेन बैलेंस शीट की शक्ल तो हम देख चुके हैं, अब ये सब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है कैटेगराइज करके। ठीक है, अच्छा, फिर अगला होता है डिफर्ड टैक्स एसेट। जैसा कि मैंने कहा, इसका मीनिंग कोई नहीं पूछेगा, बस रट लेना कि डिफर्ड टैक्स एसेट अगर दिख जाए तो ये एक सेपरेट सब हेड होता है, किस हेड के अंदर, नॉन करेंट एसेट के अंदर। फिर होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं जो रिसीव हो जाएंगे आफ्टर 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ध्यान रखना, ये लोन वर्ड पढ़ के बच्चों लोन लाइबिलिटी वाला लोन समझ लेते हैं, बट ये लोन्स एंड एडवांसेस वो लोन है जो हमने किसी और को दे रखा है और वो हमें वापस मिलेगा,
राइट, इसीलिए ये मेरे लिए एसेट है। तो कोई ऐसा लोन या एडवांस जो मैंने किसी को दे रखा है लेकिन जो रियलाइज होगा 12 महीने के बाद फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएगा। इसमें क्लासिफिकेशन करनी होती है बच्चों, एक तो कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस मतलब वो एडवांसेस जो कोई फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए या बनवाने के लिए हमने दे रखी है, ठीक है, या फिर कोई और अदर लोन एंड एडवांसेस जो भी है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंप्लॉइज हो गया, लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू सप्लायर्स हो गया, कोई भी इस तरह के एडवांसेस कोई भी और नेचर के, तो आपको नेचर लिखना पड़ेगा कि भाई कौन से लोन एंड एडवांसेस है। नोट्स टू अकाउंट्स में सब चीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर करना होता है। फिर अगला आपका सब हेड होता है अदर नॉन करेंट एसेट। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वो वाली डिपॉजिट जो लॉन्ग टर्म के लिए दे रखी हैं, जो मोर देन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए दे रखी हैं। इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं बच्चों, मतलब जो 12 महीने बाद हमें मिलेंगे। तो कोई डेटर या बिल रिसीवेबल है वो 12 महीने बाद मिलेगा तो वो इसके अंदर आ जाता है। या फिर कोई और नॉन करेंट एसेट अगर है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस या लॉसेस, हालांकि वो आते तो नहीं अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस या लॉसेस, बट अगर है कोई तो वो इसके अंदर दिख जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं करेंट एसेट की बात करूं तो करेंट एसेट में सबसे पहले आता है करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स तो वही है, बट अब ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या रियलाइज हो जाएंगी विद इन 12 मंथ्स या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो इसमें भी वही कैटेगराइजेशन आपको करनी होती है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अलग हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स का इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा दिया, डिबेंचर बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा दिया, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा दिया, पार्टनरशिप फर्म का इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा दिया। मतलब जो भी है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंट नेचर की है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। अच्छा, इन्वेंट्रीज क्या होती है बच्चों? इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है देखो, रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आता है, स्टॉक इन ट्रेड आता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आता है, लूज टूल्स आता है। तो ये सारी चीजें याद रखना बच्चों, ये याद रखना। पूछ लेते हैं आपसे, इनमें से कुछ भी दिख जाए वो आपसे पूछेगा बताओ कौन से सब हेड में आता है, कौन से हेड में आता है। तो ये इन्वेंट्रीज के अंदर आएगा अंडर द हेड करेंट एसेट्स। फिर लास्ट है बच्चों ट्रेड, मतलब लास्ट नहीं है, तीसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में मोटा मोटा ध्यान रखना बच्चों, एक डेटर्स आते हैं और एक बिल्स रिसीवेबल आते हैं जो अगेन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज हुए हों, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो वो डेटर्स या बीआर, बिल्स रिसीवेबल जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज हों और जो 12 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जब डेटर्स की बात करते हैं तो एक आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो सवाल उठता है कई बार कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ दिखाना है। बचपन में हमें याद है सर, फाइनल अकाउंट्स में हम बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें हम यहाँ डेटर लिखते थे और इसी में से प्रोविजन माइनस करके दिखाते थे। अब शेड्यूल थ्री में कैसे काम करना है सर? क्या शेड्यूल थ्री में भी ऐसी करना है या कोई और तरीका है? तो यस बच्चों, शेड्यूल थ्री में भी आप माइनस करके दिखा सकते हो। शेड्यूल थ्री में भी आप प्रोविजन को डेटर्स में से यानी ट्रेड रिसीवेबल्स में से ही माइनस करके दिखा सकते हो। नोट्स टू अकाउंट्स में माइनस करके दिखाओगे वो एक अलग बात है, बट हाँ माइनस करके दिखा सकते हो। नहीं तो बच्चों, नहीं तो आप इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो भी है एज द केस में भी, उसमें भी दिखा सकते हो। तो ये आप लाइबिलिटीज के अंदर भी अलग से दिखा सकते हो, नहीं तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स में से ही माइनस करके दिखा सकते हो। वो चॉइस है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, दोनों भी ओके है, ठीक है। अगला सब हेड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या क्या आता है बच्चों? तो कोई बैलेंस बैंक में पड़ा है, कोई चेक या ड्राफ्ट हाथ में है, कोई कैश इन हैंड है मतलब रोकड़ा है ना, या कोई अदर मतलब कैश के फॉर्म में कुछ और है। अच्छा, अगर कोई ईयर मार्क्ड बैलेंस है विद बैंक, मतलब ये भी एक प्रकार का बैंक अकाउंट ही हो गया, या फिर कोई बैंक में पैसा पड़ा है एज मार्जिन मनी, या फिर कोई बैंक डिपॉजिट है जिसको मोर देन 12 मंथ्स जिसकी मेच्योरिटी है जैसे फिक्स डिपॉजिट, ये सब के सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब वही है, अब वही लोन्स एंड एडवांसेस जो 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर रिलाइज हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएंगे। और लास्ट सब हेड इसमें होता है अदर करेंट एसेट। इसमें बाकी सारे
करंट एसेट जो किसी और सब हेड में नहीं आ पाए, तो आप कह सकते हैं रेजिडुअल सब हेड है, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीवेबल अगेन मतलब जो एक्रूड इनकम ही होता है, एडवांस टैक्स भी होता है, तो ये सब आपका अदर करेंट एसेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो बैलेंस शीट के अगर मैं हेड सब हेड्स और आइटम्स की बात करूं तो वो तो कवर हो गए बच्चों। इसके अलावा एक टॉपिक होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वर्ड आ रहा है बच्चों इसमें लाइबिलिटीज, लेकिन ध्यान रखना लाइबिलिटीज होने के बावजूद भी ये बैलेंस शीट में नहीं आती। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटी होती है जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है ऑन हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। ध्यान रखना ये बैलेंस शीट में नहीं डिस्क्लोज किया जाता, ये सीधा सीधा बस नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कंटिंजेंट लाइबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट्स में आप बता देते हो कि भाई इस तरह की हमारे पास एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, बट मेन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ये नहीं नजर आता। ठीक है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, प्रपोज डिविडेंड हो गया, कोई लाइबिलिटी है अगेंस्ट पेंडिंग लिटिगेशन या क्लेम या कुछ और, है ना, जैसे क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, या फिर बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, वो भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, या कोई और क्लेम फॉर विच द कंपनी इज कंटिंजेंटली लाइबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने हमारे ऊपर केस कर दिया, हमारे ऊपर कुछ केस कर दिया डैमेजेस के लिए, अब वो अदालत में केस चल रहा है, अब अगर वो केस में हार गया कल को तो वो लाइबिलिटी मेरे पास आ जाएगी, लेकिन अगर वो केस में जीत गया तो वो लाइबिलिटी मेरे पास नहीं आएगी। तो ये एक ऐसी लाइबिलिटी जो कंटिंजेंट है वो कोर्ट के डिसीजन पे, भाई जज ने अगर मेरे फेवर में डिसीजन दे दिया तो लाइबिलिटी नहीं आएगी, मेरे अगेंस्ट डिसीजन दिया तो लाइबिलिटी आ जाएगी, तो इसलिए ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है। अब इसमें बच्चा एक इंपॉर्टेंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है वो डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज कर दिया कि भाई हम प्रपोज कर रहे हैं कि इतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुआ। डिविडेंड जब शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कर देते हैं तभी फाइनली पेबल होता है, तो इसलिए बच्चों ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर जो होता है करेंट ईयर का, जैसे अगर आप 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट बना रहे हो तो 2023-24 का जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड की तरह आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह आप दिखाओगे। ये कंटिंजेंट इसलिए बच्चों क्योंकि अगर ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया तो ही पेबल होगा, बट अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया तो वो पेबल नहीं होगा, इस रीजन से कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती। ठीक है जी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल प्रपोज डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 will be shown as contingent liability in the financial statements for the year ended 31st March 2021. वही मैंने बोला 31 मार्च 2021 को अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं और 2021 का कोई प्रपोज डिविडेंड है तो ये प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है। लेकिन however the same will be recorded as a liability in the year it is approved, that is 21-22। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में assuming ये अप्रूव हो जाता है, शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव कर देते हैं, तो 21-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या 21-22 के साल में इसको हम लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो जब तक डिविडेंड अप्रूव नहीं हो जाता शेयर होल्डर्स द्वारा तब तक ये वो प्रपोज डिविडेंड होता है और वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह माना जाता है। ठीक है। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड तो बच्चों इतनी बात है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो याद रखना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो होता है वो बनता है एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें भी अगर मैं कॉलम्स बोलूं तो वही बनते हैं, एक सीरियल नंबर हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, नोट नंबर हो गया जिसमें हम नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देते हैं, एक करंट ईयर की फिगर आती है, एक प्रीवियस ईयर की फिगर आती है। तो ये भी कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, करंट ईयर की फिगर दिखाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी दिखाएंगे। तो इसमें बच्चों देखो सबसे पहले लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को जोड़ देते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है, फिर सारे एक्सपेंसेस लेना शुरू करते हैं जिसमें आपको क्या क्या एक्सपेंसेस लेने होते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
फिर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड, ध्यान रखना यहाँ रॉ मटेरियल नहीं आया। फिर आता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट, फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और फिर लास्ट आता है अदर एक्सपेंसेस। तो इसी फॉर्म में, इसी नाम से आपको सारे एक्सपेंसेस लेने होते हैं। सारे एक्सपेंसेस लेने के बाद आप इन एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हो, फिर टोटल रेवेन्यू जो ऊपर निकाला था उसमें से ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स। ये आपका मेन फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। ठीक है, अब इसमें एक एक करके सारे आइटम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का अगर मैं सिंपल वे में बोलूं बच्चों, ये सेल्स होती है। जो आप बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखाते थे, बाय सेल्स, वही यहां पे अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी के केस में जो बेसिकली गुड्स बेच रहे हैं, जो गुड्स बेचते हैं, उनके लिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो नेट सेल्स होता है, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसमें याद रखना बच्चों, कई बार सवाल में सेल ऑफ स्क्रैप भी लिखा होता है, तो सेल ऑफ स्क्रैप भी हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, अगर कोई सर्विस रेंडरिंग कंपनी, जैसे कोचिंग क्लासेस, आरकेजी है, आरकेजी क्लासेस देता है, बदले में फीस लेता है स्टूडेंट से, राइट? तो वो फीस जो मिलती है वो आरकेजी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो सर्विस कंपनी के केस में फीस जो अर्न की जाती है, जैसे अगर कोई हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, राइट, तो उनके लिए ये फीस जो होती है वो सर्विस कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाती है। और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह जो अर्न किया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आ जाता है। अच्छा, अदर इनकम क्या होती है बच्चों? अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ और इनकम हो सकती है जो सेल वगैरह की तरह नहीं है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं अर्न करी गई लेकिन फिर भी कुछ इनकम हुई है, तो ऐसी इनकम अदर इनकम के अंदर आ जाती है। इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैड डेट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। ऑफ कोर्स सिंपल भाषा में बोलूं बच्चों, बचपन में आप पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो इनडायरेक्ट इनकम्स बेसिकली लेते थे, याद है आपको? एक ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लेते थे, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते थे, उसमें आप देखना क्या क्या लेते थे, अदर इनकम लेते थे, जैसे रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, बैड डेट्स रिकवर हुआ, ये सारी इनकम्स आपकी अदर इनकम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते कंपनीज के केस में इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट बन रही है। तो आपको बस समझने के लिए बता रहा हूं कि पीएनएल अकाउंट में जो अदर इनकम्स, मतलब इनडायरेक्ट इनकम्स आप जो बेसिकली लेते थे क्रेडिट साइड में, वो सब आपकी अदर इनकम के अंदर आ जाती है। अगला जो आइटम होता है बच्चों, होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। या मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बार बार बोल रहा हूं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन में अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने आता है तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रॉ मटेरियल के साथ फिनिश गुड्स भी दे देता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी दे देता है, कुछ और भी दे देता है। आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लेना है सिर्फ रॉ मटेरियल का, परचेजेस लेनी है सिर्फ रॉ मटेरियल की, क्लोजिंग स्टॉक लेना है सिर्फ रॉ मटेरियल का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है। इट ओनली इंक्लूड्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेलिंग, नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ट्रेडर्स के केस में ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक तरफ परचेज करते हैं गुड्स और सामने फिर बेच देते हैं। तो जो ट्रेडर्स परचेज करते हैं गुड्स वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आ जाता है। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान रखना अब यहां रॉ मटेरियल नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा रॉ मटेरियल? क्योंकि रॉ मटेरियल की सारी कैलकुलेशन हमने यहीं पे कर दी, ओपनिंग स्टॉक भी ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया, परचेज भी ले लिया, अब वो सब कुछ नहीं आ रहा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में भी याद रखना रॉ मटेरियल नहीं आएगा, वो सब ऊपर ले लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम में। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है बच्चों? इसमें हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं किसका, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड का, माइनस करते क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल भाषा में यह होता है चेंज इन इन्वेंट्री।
फिर होता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सारी पेमेंट्स है या जो भी खर्चे हैं जो इंप्लॉयज के लिए या वर्कर्स के लिए लिए जाते हैं, वो सारे खर्चे आपके इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, वेजेस आता है, सैलरीज आती है, बोनस वगैरह दिया अगर कोई तो आता है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आता है, लीव इनकैशमेंट का खर्चा हो गया, कोई ग्रेचुटी पे कर दिया आपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएफ ईएसआई या कोई और ऐसे फंड में हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज के हो गए, ये सारे खर्चे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगला आइटम होता है बच्चों, अगला आइटम बोलो, अगला हेड बोलो, जो बोलना चाहो, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली क्या आता है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स या ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, मतलब लोन वगैरह जो भी ले रखा है फाइनेंस के लिए आपने जो भी ले रखा है उसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो इसके अंदर आ जाता है। इसी के साथ लोन प्रोसेसिंग फीस, प्रैक्टिकली जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं बच्चों तो हमें एक लोन प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जाती है बैंक द्वारा, तो वो लोन प्रोसेसिंग फीस भी एक खर्चा होता है और वो भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आपको याद होगा, ये लिंक करना डिबेंचर के चैप्टर से, हम इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करते थे, याद है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हम या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते थे नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करते थे। तो जब भी आप उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करते हो तो वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर कहां दिखाओगे, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। ठीक है, एक होता है बच्चों बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस याद रखना बच्चों, बैंक चार्जेस फील होता है, नाम में बैंक आता है तो हमें लगता है कि ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आना चाहिए, बट ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये अदर एक्सपेंस के अंदर आता है, राइट। फिर अगला डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का मतलब मैं मान रहा हूं आपको पता ही होगा, डेप्रिसिएशन वर्ड तो आप 11th क्लास में भी देख चुके, उसके ऊपर तो आप अलग से चैप्टर ही पढ़ते थे। तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है कॉस्ट ऑफ टेंजेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब टेंजेबल एसेट जो बेसिकली है जो राइट ऑफ कर दिए, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन पे हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और अमोर्टाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो ये इनटेंजेबल एसेट के लिए करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इनटेंजेबल एसेट रिटर्न ऑफ वो अमोर्टाइजेशन होता है। तो चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे अमोर्टाइजेशन हो, उसका एक ही अलग सब हेड या हेड बन गया जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो बचे हुए सारे खर्चे होते हैं, जो भी खर्चे ऊपर नहीं आ पाए वो सब अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, तो ये रेजिडुअल हेड हो गया एक प्रकार से खर्चों का, अदर एक्सपेंसेस। तो ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेस आर शोन अंडर दिस हेड। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड या बैंक चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंस, रेंट हो गया, पोस्टेज कोरियर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन का एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, मतलब सारे और खर्चे जो ऊपर कहीं नहीं आ पाए वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये थ्योरेटिकली आप एक बार रीड कर सकते हो। अगेन मैं आपको मतलब आप इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो एक वंस आप मतलब एक दो बार इसको रीड करके जा सकते हो, आपको रिपीटेटिव पॉइंट्स ही इसमें दिखेंगे, आपने कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स सारे ऑलरेडी कभी ना कभी पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रिवीजन वीडियो से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर याद आ गया होगा। इसमें मेन जो आपको याद रखना है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट है, उसमें क्या हेड्स हैं, क्या सब हेड्स हैं, कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट्स डालना, मेरा छोटा सा नन्ना सा जो यूट्यूब चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ये सब करते हो तो आपको पता भी नहीं बच्चों जो एफर्ट्स लगते हैं ना ये सब वीडियोस बनाने में, तो थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हमारी मुलाकात होगी अगले रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।